तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का अन अकेडमी पे। मैं प्रिंस चौधरी एक बार फिर से आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गया हूँ। आप सभी लोगों को जिस चीज का बहुत ही ज्यादा दिनों से इंतजार था, बहुत ही ज्यादा इंतजार आप लोग कर रहे थे, काफी सालों से आप जिसका वेट कर रहे थे, जिस परीक्षा का वेट कर रहे थे, यूपीएसआई की परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है। मेरे प्यारे साथियों, यूपीएसआई की परीक्षा की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है भर्ती बोर्ड की तरफ से और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है इस नोटिफिकेशन में। तो मैं आपको इस नोटिफिकेशन में एक एक करके सारी बातें आज बताने वाला हूं। एकदम ध्यान से सुनते रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पे इसी चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें अभी और मिलने वाली हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो कम वैकेंसी नहीं आई है, 9027 पद आए हैं दोस्तों, 9027 पद, जिसमें से जनरल कैंडिडेट्स के लिए यानी जनरल सीट के लिए 3613 वैकेंसी जनरल के लिए है। ईडब्ल्यूएस जो 10% का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया जाता है, ये 902 वैकेंसी इन लोगों के लिए है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, 2437 वैकेंसी। अनुसूचित जाति यानी एससी को 1895 और एसटी को 2% यानी 180 सीटों की बात दी गई है। यहां पर सभी लोगों को इसी में से दी गई है। 9027 कुल पद आए हुए हैं। एकदम धमाकेदार तरीके से अब लग जाइए एकदम तैयारी करने में, इस बार छोड़ना नहीं है, बढ़िया से तैयारी करते रहिए मेरे प्यारे साथियों आप सभी के सभी लोग। बाकी यहां पर जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, उसकी बात की गई है। महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो 1805 पद महिलाओं के लिए आए हैं, 1805 पद, ये सारे के सारे इसी में ऐड होंगे। 9027 में ही टोटल होता है, हॉरिजॉन्टल वाला भी इसी में आपका आ जाएगा। तो महिला के लिए 20% आरक्षण जो है, 1805 पद महिलाओं के लिए आ गए हैं मेरे प्यारे साथियों। और आप यहां पर देखेंगे, ये तो रहा आपके लिए, बाकी यहां पर प्लाटून कमांडर के लिए, प्लाटून कमांडर के लिए जो पीएससी के पद होते हैं, यहां पर पीएससी के पद के लिए 484 पद पीएससी कमांडर के लिए आ गए हैं, 484 जो कि जनरल होगा 194, ईडब्ल्यूएस 48, ओबीसी 31, एससी 101 और एसटी 10 पदों के लिए यहां पर विज्ञप्ति जारी की गई है। बाकी यहां पर और भी जारी की गई है, फायर सर्विस में भी दिया गया है, फायर सर्विस में भी 23 पद आए हुए हैं एसआई के लिए, जिसमें से आरक्षित पद होंगे, अनारक्षित पद होंगे यानी जनरल 10 पद, ईडब्ल्यूएस 2 पद, ओबीसी 6 पद, एससी 5 पद और एसटी के लिए कोई भी पद यहां पर नहीं दिया गया है आपके फायर सर्विस में, अग्निशमन विभाग में। बाकी यहां पर आपके हॉरिजॉन्टल आरक्षण वगैरह की भी बात की गई है। अगर ऊपर की बात करेंगे तो यहां पर जो थाने में दरोगा बैठते हैं उनकी बात यहां पर, थाने में जो एसआई होते हैं उनकी बात यहां पर की गई है। 9027 पद थाने में बैठने वाले एसआई, जो रिपोर्ट लिखते हैं बैठ के थाने में, क्रिमिनल को पकड़ते हैं, उनकी बात यहां पर की गई है। बाकी आप आगे देखेंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, यहां पर भर्ती प्रक्रिया क्या क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो 1 तारीख से, 1 अप्रैल से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 रात को 12 बजे तक आपके पास टाइम है फॉर्म फिल करने का। तो आप इस बीच में फॉर्म जरूर फिल कर दें, आप इसमें ढिलाई बिल्कुल ना बरतें। 1 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, 4-5 अप्रैल तक आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, 10 अप्रैल तक मैक्सिमम आप जाते जाते फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसकी फीस क्या होगी, तो फीस के बारे में भी यहां पर बताया गया है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी के आप हो, आपको 400 रुपए पे करने हैं, आराम से आप पे करिए और आप परीक्षा दीजिए। बाकी आपकी अर्हताएं पूछ रहा है, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है, तो आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। कब तक आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, आपका 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल 2021 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल ईयर का, तभी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। बाकी और बातें करी जाए तो इसमें और भी जो चीजें दी गई हैं, यहां पर आयु की बात की जाए, एज लिमिट की बात की जाए, तो 1 जुलाई 2021 से एज काउंट किया जाएगा। 1 जुलाई 2021 को आपकी 21 वर्ष की 21 तारीख की एज पूरी होनी चाहिए और मतलब यही है
कि और 21 से 28 के बीच इसकी जो एज लिमिट पिछली बार थी वही भी एज लिमिट रखी गई है 21 से 28 वर्ष की। और यहाँ पर आप देखिए जन्म की तारीख, आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2020 के बीच का होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच पड़ता है तो आप फॉर्म जरूर फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके आगे पीछे भी, इनके पहले भी पड़ता है, 1993 के पहले भी पड़ता है, तो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर और भी चीजें हैं, इसको आप देख सकते हैं, आप विवाहित अविवाहित ये स्थिति बताई गई है। शारीरिक स्वास्थ्य आप उपयुक्त होना चाहिए, आप स्वस्थ व्यक्ति होने चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज बताई गई है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करी जाए तो यहाँ पर 400 क्वेश्चन होंगे और आपके जो नंबर होंगे 400 नंबर आपके दिए जाएंगे, आपको 400 नंबर यहाँ पर होंगे। सामान्य हिंदी से अधिकतम 100 अंक होंगे, मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान से 100 अंक यहां से पूछे जाएंगे, मैथ से आपके 100 अंक होंगे और रीजनिंग से आपके 100 अंक होंगे। दूसरी बात यह है, एग्जाम का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपकी होनी है, ऑनलाइन पेपर आपका किया जाएगा। 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है पेपर को, सामान्य हिंदी, मूल विधि संविधान, सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पर मूल विधि और संविधान ये दोनों पार्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया हुआ है। मैथ्स की बात करी जाए, आपकी रीजनिंग की बात करी जाए, तो ये सारे के सारे आपके सामने पड़े हुए हैं। और एक बात और है, ये जो एग्जाम होगा 120 मिनट का एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम आपका होने वाला है, 2 घंटे का पेपर आपका ऑनलाइन पेपर 2 घंटे का होगा आपका। दूसरी बात ये है कि आपको हर सब्जेक्ट क्वालिफाई करना होगा, हर सब्जेक्ट में मिनिमम नंबर लेकर आने होंगे, मिनिमम कितने, हर सब्जेक्ट में 35% नंबर मिनिमम लाने होंगे, और टोटल अगर आप जोड़ा जाए तो टोटल 50% मिनिमम नंबर लाने होंगे तभी आप कट ऑफ में आएंगे, अदरवाइज आपको योग्य नहीं माना जाएगा। हर सब्जेक्ट से कम 35% नंबर और सारे सब्जेक्ट अगर मिला लिए जाए तो 50% मिनिमम नंबर आपके आने चाहिए तभी आप योग्य माने जाएंगे, अन्यथा आप योग्य नहीं माने जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सारे सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ना है। देखिए इतनी भी कठिन चीज नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 35% नंबर हर सब्जेक्ट में लेकर के आना, तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि आप कट ऑफ में तभी आ पाएंगे जब हर सब्जेक्ट आपका मजबूत होगा। बहुत से लोग करते हैं कि ये दूसरा सेगमेंट है, कहते हैं भाई इसको तो लाइटली ले लिया जाए, इससे तो क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, तो 35% आपको तो लाना ही लाना है। और मैं आपको बता दूं, ये तीनों चीजें सब लोग बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन जो ढिलाई बरतते हैं ये दूसरी वाली चीज, मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान पे ढिलाई बरतते हैं, गलती यहीं पर लोग कर जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है अगर आपको इस बार मेरिट में आना है। तो देखिए वैकेंसी कितने दिन बाद आ रही है, फिर भी आप गलती कर गए तो मेरिट से बाहर हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर बात फिजिकल क्वालिफिकेशन की आती है, ऊंचाई की बात की जाए, हाइट की बात की जाए, तो हाइट में अगर एससी, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट हैं, इन तीनों कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है 168 सेंटीमीटर रखी गई है, ये मेल के लिए है। मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर अगर एससी ओबीसी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट, तो मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर की होनी ही होनी चाहिए। और सीना फुलाने की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर जनरल ओबीसी और एससी की बात करी जाए तो सीना कम से कम इनका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, और फुलाने के बाद ये 84 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। एसटी कैंडिडेट की अगर बात करी जाए, एसटी कैंडिडेट का जो सीना होना चाहिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर सीना आ जाना चाहिए, यानी फुलाव न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। वहीं महिलाओं की अगर हाइट की बात की जाए तो महिला अगर जनरल ओबीसी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपकी हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो 147 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट चल जाएगी। मिनिमम वेट जो है, न्यूनतम भार है 40 किलोग्राम महिला कैंडिडेट का होना चाहिए, 40 किलोग्राम से कम का भार नहीं होना चाहिए किसी महिला कैंडिडेट का। और वहीं पे आप शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें यानी रनिंग वगैरह की बात करें तो पुरुषों के लिए जो रनिंग की व्यवस्था की गई है ये 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ की व्यवस्था की गई है। कोई पुरुष हो, कोई पुरुष कैंडिडेट हो तो 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है 28 मिनट में। महिला कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ना है वो भी 16 मिनट में। अभी आपको दौड़ने की
पूरी दौड़ लगाने की पूरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। मैं तो ये कहता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा डेली दौड़ा करिए, 1-2 किलोमीटर की आप दौड़ बना के रखिए। अगर कोई महिला कैंडिडेट है कम से कम 1 किलोमीटर डेली अभी से प्रैक्टिस में लेकर के आइए। पुरुष कैंडिडेट है तो 2 से 2.5 किलोमीटर की दौड़ का आप प्रैक्टिस बना लीजिए, क्योंकि अचानक से दौड़ आपकी अचानक से 5 किलोमीटर आप दौड़ने नहीं लगेंगे। लेकिन हाँ, एक बार पेपर हो जाए तो पेपर होने के बाद डेली कम से कम आप 6 किलोमीटर जरूर दौड़ लगाइए। 6 किलोमीटर पुरुष कैंडिडेट और महिला कैंडिडेट कम से कम 3 से 3.5 किलोमीटर की दौड़ लगाएं। लेकिन ये तो फिलहाल अभी पढ़ाई के एग्जाम के बाद की बात है। अभी की अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, प्रेजेंट सिनेरियो अगर देखें तो आपको पढ़ाई ज्यादा करनी है, क्योंकि अगर आप दौड़ लगाने अभी से चले जाते हैं तो दौड़ लगा के आकर के सो जाएंगे। लेकिन पढ़ना है, इस बार चलते रहना है, तब तक नहीं रुकना है जब तक कि हम सिलेक्शन ना ले लें, तब तक हम लोगों को रुकना नहीं है। तो ये रही आपकी जो भी चीजें थी, चिकित्सा परीक्षा उसके बाद होगी, आदमी आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट के बाद ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। एज में कैसे छूट मिलेगी, तो आपको अनुसूचित जाति से है 5 वर्ष की छूट, अनुसूचित जनजाति से है 5 वर्ष की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो कुछ छूट एज में रिलैक्सेशन की बात की गई है। अच्छा, एक और बात है, आपके पास जो एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, आपका प्रमाण पत्र, आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों चीजें 1 अप्रैल 2020 के बाद की और 30 अप्रैल 2021 के पहले की होनी चाहिए। यानी कि अगर अभी तक आपने अपना जाति और निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो अभी आप अपना जाति और निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। 1 अप्रैल 2020 के बाद का जाति और निवास और 30 अप्रैल 2021 के पहले का जाति और निवास आपका होना अनिवार्य है। तो डॉक्यूमेंट अभी आप अपना रेडी करवा लीजिए। जितने लोगों का अभी नहीं बना हुआ है, आज ही जाकर के, कल ही जाकर के आप लोग बनवा लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवाइए। बाकी ये सारी चीजें हैं, आपको पढ़ाई करते रहना है, अनअकैडमी आपके साथ है हमेशा। और दूसरी बात ये रही यूपीएसआई के बैच की, तो यूपीएसआई का बैच भी आपका अनअकैडमी प्लस पे भी आ रहा है, उसमें मैं आपको जनरल स्टडी पूरा क्लियर करवाता ही रहा हूँ। 2-3 बार मैं 2-3 बैच लेकर के आ चुका हूँ, क्लियर करवा चुका हूँ। लेकिन ये अंतिम प्रहार होगा एक तरीके से, तो इस अंतिम प्रहार में आप लोगों को नहीं रुकना है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई देखो कितने सब्जेक्ट हैं, आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 400 नंबर के हैं, पूरे सिलेबस के बारे में बताया गया है, पूरा सिलेबस मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है आपके साथ। हिंदी का क्या है सिलेबस, मूल विधि का क्या सिलेबस है, संविधान का क्या सिलेबस है, सामान्य ज्ञान का क्या सिलेबस है, तो ये सारी चीजें मैंने कई बार डिस्कस कर रखी हैं आप लोगों के साथ। तो ये आप देखिएगा, अपने तरीके से एक बार फिर से देखिएगा। मैथ्स का सिलेबस आपके सामने है, आपका आपके सामने रीजनिंग का सिलेबस है, तो ये सारी चीजों को ध्यान से देखना है। बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है उसमें भी अगर आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस समस्या को भी आपके साथ आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। बाकी और कोई दिक्कतें अगर आपको फॉर्म भरने के संबंध में आ रही, कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि आपको मैं पहले से बता दूं कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक लगातार 5 घंटे आपकी मैराथन क्लास चलने वाली है पेट यूपीएसआई लोअर पीसीएस के लिए। तो आप सभी लोग उस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, इसी यूट्यूब चैनल पे आपकी चलने वाली है ये क्लास। तो आप सब लोग अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एससी यूट्यूब पे चलने वाली ये क्लास है, तो आप सभी लोग उसे जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।